प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 107वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि आज 26 नवंबर को हम कभी भूल नहीं सकते। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को और पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था, लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उपरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। पीएम मोदी ने विदेशों में जाकर शादियां करने के बढ़ते रिवाज पर भी लोगों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा, इन दिनों कुछ परिवारों में विदेश में जाकर शादी करने का वातावरण बनता जा रहा है, ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादियों में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी के बारे में बताएंगे। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। ये अभियान रोजगार की गारंटी है। अब तो घर के बच्चे भी दुकानों पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, अब सामान खरीदते समय लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन भी देखना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हम सब मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि समय पर स्थिति देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन वॉक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वही संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर पर कैश देकर सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। इंटेलिजेंस आइडिया और इनोवेशन आज भारत युवाओं की पहचान बन चुका है। इसमें तकनीक के संयोजन से उनकी बौद्धिकता में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।